नो सर, नहीं हुआ। कितने क्वेश्चन हुए बेटा? कितने क्वेश्चंस किए बेटा? स्टार्ट नहीं करता है बेटा ऋषभ, ये हमेशा क्या हो गया है? पहले तुम होमवर्क जो है वो ऑन टाइम करते थे, आजकल कोई ना कोई एक्सक्यूज रहता ही है तुम्हारा कि सर आज ये हो गया था, कल वो हो गया था, है ना? ऐसे फिर बेटा चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद तुम एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हो। इससे अच्छा तो जब तुम्हें जो टॉपिक जो चल रहा हो जिस टाइम पे तुम एक्सरसाइज करने के लिए दो देते हैं, तो उस टाइम पे एक तो रिविजन हो जाता है उसी टाइम पे, तो फिर चीजें अपन भूलते नहीं है कर। तो ऑन टाइम जो चीजें करते हैं अपन, उसका मजा ही अलग है, राइट? तो इस चीज को इम्प्रूव करो बेटा, जो भी होमवर्क जिस दिन मिले उसी दिन कंप्लीट करने की कोशिश करो, राइट? ओके अब बोल दो। ओके तो बोल दो बेटा, अब बोल दो। ओके सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा ही होगा फिर से, है ना? यस सर बोला, नो सर बोला? ओके चलिए कोई बात। हाँ जी बताओ बेटा आदित्य, 5.3 में जितने क्वेश्चंस किए उसके अंदर कोई डाउट है तो बोलो फटाफट से। सर जितने करें उसमें नहीं है डाउट। जितने किए उसके अंदर कोई डाउट? तो कितने क्वेश्चंस किए हैं? कि सर दो ही क्वेश्चन किए उसमें कोई डाउट, ऐसा है क्या? सिक्स सिक्स अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो सिक्स तो ओके। हाँ ओके चलिए भाई थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कुछ ठीक ठाक सी बातें। ओके तो एपी के रिगार्डिंग कुछ एक बातें हैं जो अपन सोच सकते हैं, जिनका अपन प्रूफ भी बता सकते हैं, जो जिनको देखने से अपने को अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि अच्छा, अरे ये तो ये है, अरे और ये वो है, नहीं क्या? तो लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एपी के बारे में अपन क्या की अच्छी अच्छी बातें लिखना चाह रहे हैं, है ना? बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, है ना? काफी सुंदर, है ना? उचित मूल्य की बातें हैं। ओके तो देखिए बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी एपी गिवन, लेट इट बी A1, A2, A3, A4, डैश डैश डैश, An-1, A, ये अपने पास में n टर्म्स गिवन है, Rn, आर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? ये रहे बेटा ये। ओके ये अगर एपी में है तो अपन इसके अंदर क्या क्या बातें बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें ये कह सकता था कि A2 - A1 इज इक्वल्स टू द A3 - A2 इज इक्वल्स टू द A4 - A3 इज इक्वल्स टू डैश 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 इज इक्वल्स टू An - An-। ऐसा क्यों होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस है। क्योंकि ये क्या है अपना, कॉमन डिफरेंस है, और एपी में कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज क्या रहता है, हमेशा इक्वल रहता है, राइट? क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि द सम ऑफ इक्वी डिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है A1 + An, फर्स्ट और लास्ट टर्म, सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म, इनका जो समेशन आएगा वो कैसा आएगा बेटा जी? इक्वल आएगा। मतलब सम ऑफ इक्वी डिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड आर इक्वल। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा A3 + ये हो जाएगा An-2 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने कोई भी एक एपी लिया, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, राइट? तो इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का सम देखते हैं जरा। 2 + 12 कितना हो जाएगा बेटा जी? 14। 4 + 10 कितना होने वाला है? दैट इज 14।
सिक्स प्लस एट कितना होने वाला बेटा जी, दैट इज ऑल्सो 14, राइट? क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से? यस सर. In any AP, the sum of equidistant terms from starting and end are equal. Okay? Yes, sir. तो इसमें लिखते थे ना इस हिसाब से कि the sum of equidistant terms from starting and end equal. हो गया बेटा? सर एक मिनट. सर हो गया. ओके. उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट लिखिए बेटा. थर्ड नंबर पॉइंट में लिखिए, इफ ए बी सी आर इन एपी एबीसी किसमें दे रखे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखे हैं. देन ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस, राइट? ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ एंड टर्म्स. ओके. यस सर. ओके, तो देखिए बेटा जी ऐसा क्यों हुआ. देखिए इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. द डी इज इक्वल टू द बी माइनस ए, राइट? और सिमिलर यहाँ पे डी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, सी माइनस बी भी लिख सकता हूँ बेटा जी. दिस इज द इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर टू, राइट? देन बी माइनस ए इज इक्वल टू द सी माइनस बी, राइट? तो यहाँ से बी को इक्वल टू किधर शिफ्ट कर दो, ए को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, राइट? For example, 2, 4, 6. The twice of middle term is equal to the sum of end terms. So, jayega 8 is equal to. Right? Clear hua ke beta ye acche se? Yes, sir. Jaldi se note down kar lijiye. हो गया नोट? यस सर. ओके, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर, नंबर थ्री. Fourth number point is the sum of first n terms
ऑफ एनी एपी इज ऑलवेज a quadratic expression is a quadratic expression with constant term zero. ठीक है ना, with constant term zero. तो देखिए बेटा ये क्या कहना चाह रहा है, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि वैसे हम अगर n टर्म्स का सम देखें तो n टर्म्स का सम भी ऑल नो वेरी वेल दैट Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 टाइम्स द ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इनटू द कॉमन डिफरेंस, राइट. अब इसको जैसे ही तुम सॉल्व करने वाले हो तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना, n टाइम्स a प्लस n स्क्वायर d बाय 2 एंड माइनस n टाइम्स d बाई 2, राइट. तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा d बाई 2 टाइम्स n स्क्वायर एंड माइनस या प्लस, इसमें से n जैसे ही कॉमन लिया तो ये बन जाएगा a माइनस द d बाई 2, राइट. तो Sn अपना क्या बन रहा है ये देखिए, n में क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक बन रहा है. In terms of right, clear हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? सर एक बार वापस से समझाना. कुछ नहीं बेटा, ऐसा जो लिखा हुआ था n terms का सम Sn ऐसे ही तो लिखेंगे बेटा. जैसे अगर इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा तो n में क्या मिल रहा है मुझे, कितने डिग्री का इक्वेशन मिल रहा है n में? 2 डिग्री का इक्वेशन मिल रहा है. तो n में अगर अपने को 2 डिग्री का इक्वेशन मिल रहा है तो वो क्या बोलेंगे अपन, n में क्वाड्रेटिक ही तो बोलेंगे. तो n में क्वाड्रेटिक मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर अपने को Sn जो दे रखा होगा, कभी भी अपने को अगर Sn गिवन होगा n में क्वाड्रेटिक एंड उसमें कांस्टेंट टर्म अगर गिवन नहीं होगा तो अपन सीधे डायरेक्ट देख के यही बता देंगे कि वो Sn किसका है भाई, कौन सी सीरीज का है. क्लियर है बेटा? यस सर. ओके. एंड दूसरी बात अपन ये भी जानते हैं कि जो भी अपना tn होता है या an जो होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, उसको अपन लिख सकते हैं sn माइनस sn माइनस 1 लिख सकते हैं, राइट. यस सर. क्योंकि sn क्या होता है, sn होता है अपना फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म n माइनस 1th टर्म एंड nth टर्म, भाई इन सारी n टर्म्स को ऐड करने पे जो वैल्यू मिलती है वही तो अपना क्या होता है, Sn होता है, राइट. तो अगर अपने को an फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, Sn माइनस 1 लिखूंगा, n माइनस 1 टर्म्स का सम लिखूंगा, जो क्या आ जाएगा अपने पास, दैट इज a1 a2 a3 डैश 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 an माइनस 1, क्योंकि ये n माइनस 1 टर्म्स के समय तो यहीं तक आएगी टर्म्स बेटा. अब जैसे मैं इनका डिफरेंस लेने वाला हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इनका डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा बेटा, ये हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1, राइट, इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स, प्लस माइनस ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वल में क्या रिमेनिंग रह जाएगा, an. तो इसका मतलब यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, an इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1 आ जाएगा. क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? Yes, sir. तो यहाँ पे दोनों ही बातें हैं, एक बात तो ये कि अगर अपने को कभी भी कोई भी सीरीज है और उसके एंड टर्म्स का सम जो है वो अगर
क्वाड्रेटिक दे रखा है और जिसमें कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है, तो इसका मतलब वो एसएन कौन सी सीरीज का है? वो सीरीज क्या होगी? एपी, जीपी, एचपी क्या होगी? एपी। वो हमेशा एपी होगी, राइट? और अगर एपी दे रखी है तो उसका एसएन कैसा होगा? ऑलवेज क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, राइट? यस सर। ओके, अब इसमें ये यहां तक नोट डाउन हो गया क्या? पहले तो बताइए। यस सर, हो गया। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा जी, अब अपने पास में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। वो बोलेगा इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी सीरीज इज 4n माइनस एन स्क्वायर देन फाइंड द सीरीज। ये रे बेटा जी वाली बात, अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? कि उसने क्या दे रखा है अपने को? एन टर्म्स का सम दे रखा है बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा, राइट? तो सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, तो इसको मैं किससे डिनोट करूंगा बेटा जी? टी एस एन से डिनोट करूंगा, राइट? तो एस एन अपने पास में क्या दे रखा है? 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जो सम ऑफ n टर्म्स है वो कैसा दे रखा है इसने? n में क्वाड्रेटिक दे रखा है और जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो इक्वेशन होती थी उसके अंदर x स्क्वायर का टर्म होता था, x का टर्म होता था एंड as well as कांस्टेंट टर्म भी होता था। तो इसमें वैसे ही अगर n में क्वाड्रेटिक है तो इसमें n स्क्वायर का टर्म है, n का टर्म है और कांस्टेंट टर्म अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज का सम है? AP का है, राइट? ठीक है, ये बात तो अपने को पता चलेगी, लेकिन अब अपन फाइंड आउट करेंगे कि वो सीरीज क्या आएगी, तो उससे अपने और अच्छे से श्योर हो जाएंगे कि अच्छा हाँ ठीक है भाई साहब, यहाँ पे इस टाइप से मेथड से जब अपने फाइंड आउट किया तो मुझे जो भी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? एक एपी मिल रहा है, राइट? तो एसएन अपन ने लिख दिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसएन लिख सकते हैं अपन। अब अपन क्या करेंगे, यहां से फाइंड आउट करेंगे एस एन माइनस वन। तो देखिए यहाँ पे एन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया बेटा? एन माइनस वन। तो जहां भी n दिखाई दे रहा है उसको रिप्लेस कर दो n माइनस वन से, राइट? तो ये जाएगा 4 टाइम्स n की जगह रिप्लेस कर दिया n माइनस वन, जहां भी n दिखाई दे रहा है वहां पे रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा n माइनस वन का होल स्क्वायर, राइट? तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस ऑफ 2n माइनस 1, राइट? तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ n स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 6n माइनस 3। ये आ गया अपने पास में क्या? एस एन माइनस वन। ये रे बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से? यस सर। एनी डाउट? नो सर। ओके, अब अपन अच्छे से जानते हैं कि अपना ए एन क्या होता है बेटा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन होता है, राइट? एन टर्म में से एन माइनस वन टर्म्स अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? एन टर्म ही तो रिमेनिंग रह जाएगा बेटा। यस सर। ओके, तो देखिए जरा यहाँ से an क्या आ जाएगा, an आ जाएगा sn, मेरा भाई साहब sn क्या है? 4n माइनस n स्क्वायर माइनस sn माइनस 1, मेरा sn माइनस 1 क्या? माइनस ऑफ n स्क्वायर प्लस ऑफ 6n माइनस 3, राइट? तो देखिए जरा ये फाइनली क्या बनेगा, 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 6n एंड प्लस 3, राइट? n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो ए एन क्या रिमेनिंग रह जाएगा अपने पास यहाँ पे? ए एन रिमेनिंग रह गया माइनस 6n प्लस 4n माइनस ऑफ 2n एंड प्लस 3। क्लियर हुआ क्या बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से? ओके, nth टर्म आ गया अपने पास, क्या आया nth टर्म? क्या है बेटा अपने पास? द nth टर्म इज माइनस ऑफ 2n प्लस 3। ओके, चलिए फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए n का वैल्यू कितना? 1। तो जैसे ही 1 पुट करोगे तो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, दैट इज 1। ए टू फाइंड आउट करना है, सेकंड टर्म, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज माइनस 1।
थ्री फाइंड आउट करेंगे, ए थ्री फाइंड आउट करोगे माइनस टू इंटू हो जाएगा थ्री प्लस हो जाएगा थ्री, ओके राइट, तो हो जाएगा माइनस थ्री। ए फोर फाइंड आउट करना है माइनस ऑफ टू इंटू फोर प्लस थ्री, एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ फाइव, ओके। फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है दैट इज माइनस टू इंटू फाइव प्लस थ्री, तो ये कितना हो जाएगा भैया माइनस ऑफ सेवन। तो सीरीज आ गया वन माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस सेवन एंड सो ऑन। ये हुआ क्या बेटा, ये सबको अच्छे से? यस सर। एनी डाउट? नो सर। Okay, can note down beta. Sir, एक doubt पूछना इसमें। Yes, yes, yes. Sir, ये a one plus a two zero हो जाएगा ना? तो वो plus one minus one can? हाँ, दोनों सम, ये first और second term का सम zero हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो sir, उसमें अगर four n minus n square में two put करेंगे फिर तो, क्योंकि दो टर्म्स का सम है पहले तो। क्या बेटा? सर 4n माइनस n स्क्वायर में अगर 2 पुट करते हैं तो 4 आता है सम, और यहाँ पर तो 0 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव, और अगर यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म का सम देखेंगे तो वो आ रहा है अपने पास में क्या, जीरो, ओके। और यहाँ पर जैसे ही अपन ने देखा फोर एन माइनस एन स्क्वायर देखा, तो यहाँ पे अगर सेकंड टर्म का अगर टू टर्म्स का अगर सम फाइंड आउट करेंगे तो आ क्या रहा है एक्चुअल में, अगर यहाँ पे एस टू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा एट माइनस फोर दैट इज प्लस फोर, प्लस का फोर आ रहा है राइट? यस सर। तो देखो बेटा इसमें कुछ ना कुछ या तो अपन ने लोचा कर दिया होगा, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, ठीक है ना, होना तो नहीं चाहिए ऐसा। तो मेरा 2 माइनस 2n प्लस 5 आ रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं जरा। 4n माइनस n स्क्वायर ये हो जाएगा 4 टाइम्स n माइनस 1 इनटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, यहां से आएगा माइनस 2n दैट इज प्लस 2 एंड प्लस 1 आएगा वो हो जाएगा माइनस 1, ओके। माइनस ऑफ एन स्क्वायर 4n and plus 2n that is 6n minus 4 and minus 1 minus 5, okay, ye minus 5 ho gaya to ye kya ho jayega beta, ye bhi minus 5 ho jayega, ye minus 5 ho jayega to ye plus 5 ho jayega, to ye yahan pe ho jayega plus 5 right, to yahan pe ye ho jayega plus 5 5, 5, 5. तो ये 5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 3, 3. ये 5 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा दैट इज 1,
ये फाइव हो जाएगा तो क्या जाएगा, दैट इज माइनस वन। ये फाइव आ जाएगा तो क्या जाएगा बेटा, माइनस ऑफ थ्री। ये फाइव आ जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस ऑफ फाइव, राइट। तो सीरीज क्या बन जाएगी अपना, थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव एंड सो, राइट। अब ठीक है, बिल्कुल भाई। अपन ने मतलब भी अपना फंडामेंटल जो था उसमें तो कोई मिस्टेक थी नहीं, तो कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है फिर, है ना। यस सर। ओके, आया सबको अच्छे समझ में बेटा ये? आया समझ में? यस सर, आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा। लिखिए, फॉर एनी सीरीज इफ द nth टर्म इज linear in terms of n, then this is an AP. क्योंकि अपने को अच्छे से पता है कि n टर्म्स के लिए tn जो an जो लिखते हैं अपन, वो क्या लिखते हैं बेटा, दैट इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, राइट। ओके, तो इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा a प्लस, ये हो जाएगा n टाइम्स d, और माइनस से क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, राइट। तो ये बन गया n d प्लस a माइनस d, ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गया और ये n का टर्म हो गया, राइट। तो अगर कभी भी an जो है वो अगर दे रखा हो a टाइम्स n प्लस b की फॉर्म दे रखी हो, या फिर ऐसा दे रखा हो क्या अपने पास कुछ सी एन स्क्वायर और प्लस कुछ डी एन टाइप से देखा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट ऑलवेज एन ए। ये रे वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, और दूसरी बात, यहाँ पे एक और बात जो कि अपन लोगों ने डिस्कस नहीं की थी, यहाँ पे एस एन में द कोफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है बेटा, अपन ने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले एस एन को जब सिंप्लीफाई करके लिखा था, तो कोफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर क्या आया था, डी बाई टू आया था। तो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू होती है सी, कोफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर सी है, और वो सी आता क्या है बेटा जी, दैट इज डी बाय टू। तो वो c जो होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का क्या होता है, हाफ होता है, राइट। यस सर। ओके ओके, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे अपन बात कर रहे थे अभी sn अपने को क्या गिवन था, 4n माइनस n स्क्वायर, तो अगर वो बोलेगा कि यहां से जो भी सीरीज बन रही है यहां से, या फिर यहां से जो भी ap बन रही है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो अपने को अच्छे से पता है कि यहां पे ये जो भी वैल्यू है, ये जो माइनस वन है, n स्क्वायर का जो भी कोफिशियंट है वो क्या होता है बेटा अपना, दैट इज डी बाय टू, राइट। तो यहां से d का वैल्यू सीधे डायरेक्ट कितना आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके, अगर tn दे रखा है अपने पास, an अगर दे रखा है, an की केस में क्या हो जाएगा, फॉर an कोफिशियंट ऑफ एन क्या दे रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है, और वैसे क्या आता है कोफिशियंट ऑफ एन, कॉमन डिफरेंस होता है बेटा जी, राइट। तो जैसे अगर उसने बोल दिया फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी
of an AP having nth term is equals to 3n plus 2. क्या जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस क्या जाएगा बेटा? तो n में क्या दे रखा है? लीनियर दे रखा है बेटा? यस सर। n में क्या दे रखा है? लीनियर दे रखा है। तो n में अगर लीनियर दे रखा है तो इसका मतलब 100% ये ap ही होगा, और उसमें n का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? थ्री। n का कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा बेटा? यस सर, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो सीधे डायरेक्ट फिर अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे? और वैसे देखा जाए तो ये क्या अपने पास में an क्या आया? 3n plus 2 आया। तो ए वन कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पे वन पुट करोगे तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। ए टू फाइंड आउट करोगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज 8। थर्ड टर्म फाइंड आउट करोगे तो 3 इंटू 3 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11। तो सीरीज बन रही 5 8 11। तो देखिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? द कोफिशिएंट ऑफ एन के बराबर ही आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, राइट? क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से? यस सर, क्लियर। ओके बेटा जी, तो यहाँ तक सबको आया अच्छे समझ में? यस सर। ओके, तो चलिए बेटा जी, अब होमवर्क के लिए कंप्लीट है तुम्हारा, होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट ऑफ एन, राइट? यस सर। ओके, तो चलिए बेटा जी, बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बढ़िया से पढ़ाई करें। ओके, यस सर। ओके, मैसेज किसका रखेंगे? ओके सर, ओके सर।